नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में नीतीश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटना शहर में 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने पटना और आसपास के इलाकों में डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा के परिचालन पर 31 जनवरी 2021 से ही प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में करीब 10,000 चालकों को अपने ऑटो को डीजल से CNG में कन्वर्ट कराने के लिए भी समय दिया गया है। नीतीश सरकार इसके लिए 30 करोड़ रुपए सब्सिडी पर भी खर्च करेगी। इस पूरे मामले को लेकर बोलते हुए बिहार सरकार के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने वायु प्रदूषण के लिए ऐसे फैसले लिए हैं। अब यह सरकारें कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT के निर्देशों पर ऐसे फैसले लेती आई है। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों के परिचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन और पुलिस की सभी 15 साल पुरानी गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं चलेगी। सरकार ने इन वाहनों की नीलामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, यानी ये गाड़ियां अब सीधे स्क्रैप की जाएगी। वहीं सरकार ने 15 वर्ष पुराने निजी वाहन के मालिकों को राहत देते हुए निर्देश दिया है कि वो वाहन का फिटनेस टेस्ट कराकर परिचालन कर सकते हैं, यानी समय समय पर प्रदूषण जाँच के साथ साथ फिटनेस टेस्ट करवा कर निजी वाहनों को चलाया जा सकता है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि ये फैसला सरकार ने पटना में बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए किया है। इसकी पटना में शुरुआत हो गई है, इसको धीरे धीरे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। पटना में प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर गया था। पटना देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में आ गया है। ऐसे में अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। हालांकि राजधानी पटना की तरह प्रदेश के कई जिलों की हालत ऐसे ही है। जैसे मुजफ्फरपुर की स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर है, तो गया की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। ऐसे में सरकार को इन फैसलों को लेकर पटना तक सीमित न कर पूरे बिहार को लागू करना होगा। बिहार सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई कठिन निर्णय लेने की स्थिति में है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पुराने वाहनों को सड़कों से हटाए जाने की योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी सूचना बिहार सहित सभी राज्यों को दे दी गई है। इस नए नियम में केंद्रीय सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही है जो नीति बनाई जा रही है, उसका नाम है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रखा गया है। नीति को पारित करने से पहले राज्यों में उन राय की मांगी गई है। माना जा रहा है कि भाजपा शासित या उसके सहयोगी राज्य सरकारें केंद्र और के नियम को हरी झंडी देने का मन बना चुकी है। बिहार भी उनमें से एक है। नियमों के अनुसार पुरानी गाड़ियां कम से कम सड़कों पर दिखेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री में अप्रत्याशित वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। खासकर वैसी गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हो चुकी है, उनके रजिस्ट्रेशन फी में 2 से 3 गुने की वृद्धि की जा सकती है। ऐसे वाहनों के स्वामियों के यानी कि उनके मालिक के फिटनेस सर्टिफिकेट फिटनेस टेस्टिंग के नाम पर मोटी रकम वसूली जा सकती है। शहरों के भीतर 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों के प्रवेश की मनाही होगी। रोड टैक्स के रूप में भी इन गाड़ियों को मोटी राशि लिए जाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही 15 साल पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप के रूप में बेचने और उनके रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स के मध्य में रियायत देने का प्रावधान तैयार किया गया है। मैनुअल में पुरानी गाड़ियों के प्रदूषण जांच को लेकर प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि पुरानी गाड़ियों का प्रदूषण जांच ऑटोमेटेड फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर पर हो। इन केंद्रों पर गाड़ियों के आते ही 15 साल पुरानी व्यावसायिक और 20 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसको लेकर बिहार सहित अन्य राज्यों को कहा गया है कि वह विभागीय स्तर पर PPP मोड में ऑटोमेटिक फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट बनाएं। बिहार परिवहन विभाग की दिल्ली में हुई बैठक के बाद राज्य सरकार केंद्र के इस प्रस्ताव का अध्ययन कर अपनी राय भेजेगी। प्रदूषण को नियंत्रण में रखने को लेकर राज्य सरकार इस पर जल्द फैसला लेकर पुराने वाहनों पर नकेल कस सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।